आर्टिकल 370 की सुनवाई के वक्त जब कपिल सिब्बल ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई का किया जिक्र, सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या दिया जवाब। गौरतलब है आर्टिकल 370 की सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई चल रही है। तीसरे दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इन तीन दिनों में सीजेआई ने याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल से कई सवाल किए, जिन पर उन्होंने अपनी दलीलें रखी हैं। इसी सुनवाई के बीच कपिल सिब्बल ने पूर्व सीजेआई और आज के राज्यसभा के मनोनीत सांसद रंजन गोगोई का जिक्र किया। सिब्बल ने यह जिक्र गोगोई के उस बयान का हवाला देते हुए दलील दी, जो कि रंजन गोगोई ने दिल्ली सर्विस बिल पर हो रहे बहस के दौरान दी थी। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने क्या बयान दिया था, वो हम आगे बताएंगे। पहले ये जानते हैं कपिल सिब्बल ने क्या दलील दी थी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सिब्बल को क्या जवाब दिया था। कपिल सिब्बल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को दलील दी थी कि पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई, जिन्होंने राम मंदिर जैसे मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया था, उन्होंने भी संविधान के मूल ढांचे के न्याय शास्त्र पर सवाल उठाए थे। कपिल सिब्बल की इस दलील के जवाब में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मिस्टर सिब्बल, जब आप किसी सहकर्मी का जिक्र करते हैं तो आपको एक मौजूदा सहयोगी का भी जिक्र करना होगा, क्योंकि एक बार जब हम जज के पद से रिटायर हो जाते हैं तो हमारी बात केवल एक राय भर ही रहती है, वो किसी भी तरीके से बाध्यकारी तथ्य नहीं होता है। अब जानते हैं कि पूर्व चीफ जस्टिस और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने दिल्ली सर्विस बिल पेश के होने के दौरान क्या कहा था। दरअसल उन्होंने एनसीटी दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने का समर्थन किया था, साथ ही बुनियादी संरचना सिद्धांत पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था केशवानंद भारती मामले पर पूर्व सॉलिसिटर जनरल टीआर अंधियारुंजीना की एक किताब है, इस किताब को पढ़ने के बाद मेरा विचार ये है कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत पर चर्चा किए जाने योग्य एक न्याय शास्त्रीय आधार है। हालांकि कपिल सिब्बल की दलील पर सीजेआई के जवाब के बाद केंद्र सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 पर जिरह करने पहुंचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सिब्बल को घेरा। उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से कहा कि संसद की कार्यवाही की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती है, ये ठीक उसी तरह है जैसे अदालती कार्यवाही की चर्चा संसद में नहीं की जाती है। सीजेआई चंद्रचूड़ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर ये भी कहा कि कपिल सिब्बल यहाँ भाषण दे रहे हैं क्योंकि वो संसद में नहीं थे, उन्हें राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई का जवाब संसद में देना चाहिए था। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।